नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं और ये आज लास्ट वीडियो होगा इस टॉपिक का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और चूंकि आपके चयन के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस में लगभग चाहे उसे 1 क्वेश्चन बनाए या 2 बनाए या 4 बनाए 6 बनाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं या उनको पढ़ने में ध्यान ही नहीं देते। बड़े बड़े टॉपिक सभी लोग समेटने की कोशिश करते हैं कि हम ये पढ़ लें ये पढ़ लें, और फिर क्या होता है छोटे छोटे टॉपिक से जब क्वेश्चन आते हैं तो आप 80-90 तक पहुँच पाते हैं, फिर सब गलत कर जाते हैं। छोटे टॉपिक से बने क्वेश्चन लगभग लोगों के गलत होते हैं क्योंकि इनको कोई सीरियस नहीं पढ़ता है। इसीलिए हम उन टॉपिक को चुन रहे हैं जो आप लोग धोखे से छोड़ते हैं या आप जिनको तवज्जो नहीं देते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपकी मेरिट सब गड़बड़ हो जाती है। तो वीडियो शुरू करें, ये आज आखिरी वीडियो होगा क्योंकि 2 ही पार्ट में आएगा, हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो इससे पहले जानकारी ये है कि आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उनकी मेंबरशिप ले सकते हैं और ये मेंबरशिप केवल 299 की है और ये 1 टाइम है, केवल 1 बार देना है। और ये चैनल हमारे तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक आपका GIC का एग्ज़ाम हम कंप्लीट नहीं करा लेंगे। TGT, PGT, ELT, GIC तब तक हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते रहेंगे, तब तक आपको नोट्स और डिस्कशन लगातार सिलेबस का चलेगा। और जबकि अभी तक डिस्कशन ग्रुप पे जो सिलेबस हमारा 2 राउंड हो चुका है, मतलब 2 बार हम लोग सिलेबस को रिपीट कर चुके हैं, 3री बार सिलेबस रन कर रहा है, तो तुरंत जुड़ें। और आपको जो नोट्स ग्रुप है इस ग्रुप पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमें क्या मिलते हैं, नोट्स मिल जाते हैं और कंप्लीट TGT, PGT, ELT, GIC के कंप्लीट नोट्स, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नोट्स आपको मिल जाते हैं। और ये हिंदी हैंड रिटन है यानी हस्तलिखित भी हैं और प्रिंटेड भी हैं दोनों प्रकार के। इसके अलावा PDF फॉर्म में बुक्स हैं जो काफ़ी महंगी हैं, आप परचेस नहीं कर पाते और वो सिर्फ 299 की मेंबरशिप में ही है। और दूसरा, आप हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक का डेली डिस्कशन होता है जिससे नए क्वेश्चन जो बने वो गलत ना हो और इसी बेस पर एक एक टॉपिक यहाँ से आपका कंप्लीट होता चलता है। दूसरा, प्रैक्टिस ग्रुप पे नए नए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए जिससे आपका स्कोर बढ़ सके और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें और क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ना हो जिससे आपका स्कोर बढ़ सके, आपका सिलेक्शन श्योर हो। तो तीनों ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन उठता है क्या अब जो 20 दिन का समय बचा है तो क्या इस ग्रुप से जुड़ना लाभदायक होगा, तो 100% आपके लिए लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नए नए नोट्स मिलेंगे, नए नए टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, आपको डिस्कशन हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप क्या होंगे, अगर 5 दिन भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बचते हैं फिर भी जुड़ते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे आपके पास जो आपको पढ़ने में दिक्कत हुई होगी, नहीं समझ में आए होंगे, तो उनके नोट्स आप यहाँ से 5 दिनों में वो रिविज़न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जो टफ क्वेश्चन जो डिस्कशन मंच पे डिस्कस किए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके तो स्कोर आपका बढ़ जाएगा। अगर आप 80-90 तक लेके जाते हैं अपने तैयारी से यहाँ जुड़ते हैं तो आपको मैं वादा करता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपके सही हो जाएंगे, सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो आप जुड़ें बिना देरी किए और उसका लाभ लें। इसके लिए करना क्या है, करना ये है कि ये हमारा टेलीग्राम नंबर है, ये कॉन्टैक्ट टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करें किसी भी जानकारी के लिए। और आप जो पेमेंट करेंगे वो इस गूगल पे नंबर या फ़ोन पे या पेटीएम या इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है सक्सेस मैसेज का, ट्रांसफ़र होने का, और हमारे इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट जैसे भेजेंगे हम आपको ऐड कर देंगे। शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात हम करने जा रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। द फिश यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ मलेरिया, वह मछली कौन सी है जो मलेरिया के मलेरिया का नियंत्रण करती है। तो मलेरिया का नियंत्रण करने में क्या काम करता है, जो मलेरिया होता है उसका वाहक कौन सा होता है, तो एनाफ्लीज होता है। क्या होता है, एनाफ्लीज जो मच्छर होता है वह होता है और वो कौन सी होती है, फीमेल एनाफ्लीज। तो अगर हम इसके फीमेल एनाफ्लीज के लार्वा को अगर मार दें, यानी बच्चे को ही अगर इसके मार दें, तो एनाफ्लीज की संख्या कम होगी, जब संख्या कम होगी तो सिंपल सी बात है मलेरिया भी कम फैलेगा। तो वो एक मछली है गैम्बूसिया, जो गैम्बूसिया है
ये क्या करती है, लार्वी साइड होती है। कैसी होती है? लार्वी साइड होती है। लार्वी साइड का मतलब होता है लार्वा को मार देती है या लार्वा को खा जाती है। तो इसका हम क्या करें, जो तालाब हैं या गड्ढे हैं या जो पानी जगह जगह भरा रहता है, अगर इन मछलियों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ जितने भी लार्वा होंगे एनाफ्लीज मच्छर के, वो खा जाएगी। तो जब मच्छर कम होगा तो सिंपल सी बात है कि मलेरिया हमारा कंट्रोल होगा। तो ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन हनी बी कॉलोनी द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये TGT बायोलॉजी 2009 में पूछा गया है। मधुमक्खी की जो कॉलोनी होती है उसमें जो ड्रोन्स होता है, ड्रोन का मतलब समझते हो, नर मक्खी होती है, जो नर मक्खी होती है, नर मक्खी, मक्खी प्रोड्यूस्ड बाय किससे उत्पन्न होती है? तो जो नर मक्खी होती है वह हरदम अनफर्टिलाइज एक से विकसित होती है, अनिषेचित अंडे से विकसित होती है। देखिए दो तरह के अंडे इसमें होते हैं, एक होते हैं फर्टिलाइज्ड और दूसरे होते हैं अनफर्टिलाइज्ड। अनफर्टिलाइज से क्या बनता है, ये हैप्लॉइड होता है और क्या बनता है, ड्रोन अर्थात नर बनता है। क्या बनता है, नर। और फर्टिलाइज से क्या बनते हैं, तो वर्कर बनते हैं, ध्यान रखिएगा, वर्कर श्रमिक बनते हैं और क्वीन बनती है। क्या बनती है, क्वीन, रानी बनती है। इन्हीं वर्कर में से, इन्हीं मक्खियों में से एक क्या होता है, रॉयल जेली होती है। क्या होती है, रॉयल जेली। तो जो रॉयल जेली खा लेता है वर्कर जो बनता है, वो रॉयल जेली अगर खा लेता है तो वो क्वीन में बदल जाता है, क्वीन लंबी होती है और बकाया वर्कर हो जाते हैं। वर्कर क्या होते हैं, उनमें जनन की क्षमता नहीं होती है। तो वर्कर का काम है रानी की सेवा करना, छत्ते की रक्षा करना, उनमें भी तो ये चूंकि होती क्या, हनी भी क्या होती, सोशल है ना, सोशल इंसेक्ट है, ध्यान रखिएगा, इंसेक्ट है। इसमें पूरा का पूरा सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जिसमें रानी होती है, रानी के बाद श्रमिक होते हैं, श्रमिक के बाद ड्रोन होते हैं। तो तीन कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। श्रमिक ज़्यादा हष्टपुष्ट होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो ये है। और कभी अगर पूछ दे कि रानी एक दिन में कितने अंडे देती है, रानी अगर एक दिन में अंडे पूछ दे तो 1500 से लेकर 2000 तक अंडे देती है। रानी जो होती है 15000 से लेकर 2000 तक अंडे एक दिन में देती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 5 वर्ष के लगभग इसका जीवन काल होता है, तो उसमें लगभग 15 लाख अंडे देती है जो रानी होती है। रानी का जो जीवन काल होता है लगभग 5 वर्ष मान लेते हैं, तो अगर ये अपने पाँच वर्ष के जीवन काल में ये लगभग 15 लाख अंडे देती है, ध्यान रखिएगा, कितने देती है, 15 लाख अंडे देती है। तो ये कुछ डाटा था। और ये शाही जेली का भोजन स्वरूप दिया जाता है इसको, विशिष्ट भोजन होता है इसका। कभी पूछ दे रानी का विशिष्ट भोजन क्या होता है, तो रॉयल जेली होता है। क्या होता है, रॉयल जेली, वही वही राजा महाराजाओं वाला होता है यहाँ सिस्टम पूरा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द एपिकल्चर, एपिकल्चर किसे कहते हैं? तो एपिकल्चर किसको कहते हैं, तो करते हैं हनीबी, हनीबी के कल्चर को हम एपिकल्चर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, एपिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ द पेस्टिसाइड्स इज कैलकुलेटेड एज, कीटनाशी की विषालुता की गणना किस रूप में की जाती है? तो LD50 का मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है लीथल डोज। क्या होता है, लीथल डोज। इसको नापा कैसे जाता है, तो किसी भी समूह में, ध्यान रखिएगा ये ध्यान रख, किसी भी समूह में हम क्या करते हैं, उस पेस्टिसाइड को देते हैं और पेस्टिसाइड को तब तक डोज बढ़ाते रहते हैं। मान लो 1 mg दिया, फिर 2 mg दिया, 3 mg दिया, 4 mg दिया, और एक समूह को, मान लो हमें कीटों पर, ये पेस्टिसाइड क्या होता है, जो पेस्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनकी जो मारने की दवा होती है, तो उसमें हमने क्या किया, उन 100 कीटों को हमने लिया और उसका डोज देना शुरू किया। जैसे ही डोज देना शुरू किया, 1 mg दिया, तो उसमें से कुछ मरे, कुछ जीवित हुए, फिर दिया, ऐसे डोज बढ़ाते रहते हैं। और जब क्या होता है, 50% यानी 100 में से जब 50% मर जाते हैं जिस डोज पे, वही LD50 कहलाता है। क्या कहलाता है, LD50 कहलाता है। ये कोई नहीं आपको बताएगा ये क्या कहलाता है, उसी को लीथल डोज 50 कहलाते हैं, जिस पर आधे जो कीट होते हैं मर जाते हैं।
तो इस प्रकार जो मेडिसिन का टेस्ट किया जाता है, जो दवाइयाँ आप भी यूज़ करते हैं या कोरोना की वैक्सीन हो, जो भी यूज़ किया जाता है, ये सब इसी बेस पर यूज़ किया जाता है। LE और या LD50 या इनके जो टेस्ट करने के तरीके होते हैं यही होते हैं। तो चूंकि जो दवाइयाँ वैसी होती हैं तो उसमें मरने की कोई बात ही नहीं होती है, मगर हम आपको चूंकि बता रहे थे तो इसलिए हमने उसकी जानकारी आपको दी। अब एपिकल्चर में तो ये तो हमने बता दिया था, और तो इसका ऑप्शन क्या लगाया, बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टसर सिल्क प्राप्त होता है, टसर सिल्क किससे प्राप्त होता है? तो कल हमने आपको बताया था कि टसर सिल्क जो प्राप्त होता है वो एंथेरिया पैफिया से प्राप्त होता है। किससे? एंथेरिया पैफिया से। जो एंथेरिया पैफिया है इसी से हम टसर के सिल्क को प्राप्त करते हैं। और ये हमने कल आपको इसके जो पहला वीडियो था उसमें हमने इसको लिखकर भी बताया था, पूरी जानकारी हमने इसको आपकी दी। और ध्यान रखिएगा, और इसका कहीं कहीं जब पैफिया ना दिया हो तो एलाइट वो माइलाइटिस दिया रहता है। क्या दिया? माइलाइटिस दिया रहता है, तब सही करना, अगर पैफिया ना दिया हो। वैसे पैफिया को सही करना है। और अटैक्स रिसनी से क्या होता है? जो अटैक्स जो रिसनी होती है इसे इरी सिल्क प्राप्त करते हैं। कौन सी? इरी सिल्क प्राप्त करते हैं। कौन सा प्राप्त करते हैं? इरी सिल्क प्राप्त करते हैं। और दूसरा है बॉम्बेक्स मोराई से क्या होता है? मुरी सिल्क प्राप्त करते हैं, या बॉम्बेक्स सिक्स बोल सकते हैं, तो मुरी सिल्क बोल दें या बॉम्बेक्स सिल्क बोल दें, वो प्राप्त करते हैं। मूंगा सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? ध्यान रखिएगा, मूंगा सिल्क तो असामा से, एंथ्रेरिया असामा। ध्यान रखिएगा, एंथ्रेरिया असामा। एक तो इनके नाम इतने बुरे हैं कि याद ही नहीं रहते। असामा से कौन से? मूंगा सिल्क प्राप्त करते हैं। तो ये सिल्क के जो चारों रूप है इनको रट डालिएगा, एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा जरूर। और देखिए 2011 में ये क्वेश्चन पूछा है, और इसी से देखिए ये 2011 इंसेक्ट से देखिए दो क्वेश्चन 2011 में पूछे हैं, जिनको मित्रों को लगता है अरे छोड़ो इसको क्या पढ़ना है, तो दो क्वेश्चन बने और एक क्वेश्चन आपका 4.25 का होता है। तो दो कितने को हो गए? 850 के हो गए, 8.5 नंबर। दो क्वेश्चन आपको नहीं आए, 8.5 नंबर गए। तो होता क्या है कि यदि आप सिलेक्ट भी हो गए, बाय द वे आप मान लेते हैं सिलेक्ट भी हो गए इंटरव्यू के लिए, तो अगर मार्क्स अच्छे नहीं है तो निकाल के बाहर के पैसे भी आप देंगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स तो निर्धारित है कि 50 मार्क्स का है। तो जिनके मार्क्स रिटेन में अच्छे होते हैं वो पैसे दें या ना दें उनका सिलेक्शन 100% होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब 4.5 मार्क्स वो लेकर आपसे आगे है। इसलिए एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। द रॉ लॉक ऑप्टेन्ड फ्रॉम द ट्विग ऑफ ट्विग होस्ट प्लांट इज कॉल्ड, पोषक पौधे की टहनियों से प्राप्त कच्ची लाख को कहते हैं, तो उसे सेलेक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेक के नाम से जानते हैं। तो समझ गए होंगे किसके नाम से जानते हैं? सेलेक के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है लाख के कीट का नाम क्या है, तो टैकिडिया लैका या लाइसिफर लैका। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? टैकार्डिया लैका, जिसे पहले लाइसिफर लैका के नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, इसके दो नाम हैं, एक है टैकार्डिया लक्का बोलेंगे इसको, या हिंदी में लैका बोलते हैं, वैसे चाहे लक्का बोल दीजिए। और अब इसका इसका पुराना नाम क्या था? लाइसिफर लक्का। लेस पर लग का, तो आपको एग्जाम में अगर टैकार्डिया लैका दे दे, तो अब इसका ये जो टैकार्डिया लैका है ये न्यू नेम है, नया नाम है इसका, और जो लेसिफर लग का है ये इसका ओल्ड नाम है, ध्यान रखिएगा। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं लाख किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको ये दोनों नाम याद करने, इनसे लाख प्राप्त किया जाता है। और लाख में होता है क्या? तो रेजिन होता है, ध्यान रखिएगा, रेजिन जो कच्ची लाख होती है वो स्लैक होती है। क्या होती है? स्लैक के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्कर्स ऑफ हनी बी सोसाइटी आर, मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं, मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं, तो मधुमक्खी समाज में श्रमिक कैसे होते हैं? तो वो क्या होते हैं? अल्प विकसित मादा बोल सकते हैं, अल्प विकस विकसित मादा होते हैं। ये क्या होते हैं? अल्प विकसित मादा होते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम लगा लेंगे स्टराइल फीमेल होते हैं। क्या होते हैं? स्टराइल फीमेल होते हैं। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे।
ध्यान रखिएगा, इनमें कुछ विशेष संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जैसे इनमें प्रोबोसिस पाया जाता है, इनके पंख जो वर्कर के पंख होते हैं मजबूत होते हैं, इनमें पॉलन बास्केट भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पूछता हूँ पॉलन बास्केट किस में पाई जाती है, तो इन्हीं में वर्कर्स में क्या पाई जाती है, पॉलन बास्केट पाई जाती है। तो पॉलन बास्केट भी इनमें देखने को मिलती है, और कॉलोनी में किसी भी आक्रमण से बचाने के लिए इनमें, तो इनमें क्या होता है, रक्षा करने के लिए मजबूत डंक पाई जाती है। तो ये परिवर्तन हमें किसमें देखने को मिलते हैं, वर्कर में देखने को मिलते हैं। और यहाँ से 3 से 4 5 क्वेश्चन आपके फ्रेमिंग हो सकते हैं जो जो हमने आपको बताया, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाक इज प्रोड्यूस्ड, लाक उत्पन्न करते हैं। तो अभी हमने बोलता लाइस्पर लक्का, लैकार्डिया लक्का, ये दोनों नाम एक हैं। इनमें क्या करते हैं, मादा ज़्यादा लाक को उत्पन्न करती है और मेल जो है वो कम लाक को उत्पन्न करता है। तो मादा कीट अधिक और नर कीट कम। तो ऑप्शन इसका हम सी सही कर देंगे, 60 का, PGT बायोलॉजी 2010 में बनाए को। थोड़ा सा डाटा ले लीजिएगा, अभी कब पूछते हैं कि किन पेड़ों पर लाक बनाया जाता है, तो खैर का वृक्ष जो होता है, ध्यान रखिएगा, खैर, खैर के साथ कुसुम, कुसुम इसके साथ बबूल आदि पेड़ों में ये पाले जाते हैं और उस पे लाख प्राप्त की जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ बता रहे हैं, जो पलास तथा बेर होता है, ध्यान रखिएगा, पलास और जो बेर होता है, बेरी जानते हैं, बेर जो खाते हैं, तो बेरी का जो पेड़ होता है उसमें विशेष प्रकार के लाख का उत्पादन होता है, जिसे कुसमी लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुसमी लाख के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन का भी फ्रेम कर सकता है, कुसमी लाख किससे प्राप्त करते हैं, तो पलाश के पौधे पर इनको पालकर या बेरी के पौधे पर पालकर कुसमी लाख को प्राप्त करते हैं। प्रायः खैर, कुसुम, बबूल आदि पौधों पर इनका उत्पादन किया जाता है बड़े स्तर पर। तो ये डाटा आपको जो दे रहे हैं, ये आप सीधे दिमाग में अपने फीड करके रखिएगा। और बबूल, बेर, पलाश, घोंट, खैर, पीपल, गूलर, पकपी, पुतकल, आम, साल, शीशम, अंजीर, इन पौधों पर प्राप्त किया जाता है। तो ये आपको हमने डाटा दे दिया है, इसको गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका का मतलब तो समझ जानते हैं, मधुमक्खी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मधुमक्खी की बात कर रहा है। रानी, श्रमिक और जो ड्रोन होता है, तो हमने 3 भागों में बांटा था। हमने पहले बांट लिया था किसको, क्वीन को, तो हम क्वीन कर लें भाई, और दूसरा वर्कर कर लें, वर्कर हो गया, तीसरा क्या हो गया, ड्रोन हो गया, यानी नर हो गया। तो इनका जो कहता है रानी और इनका, तो रानी का जो मैच्योर होती है 16 दिन में, ये 21 दिन में होते हैं, और ये जो होते हैं वो 24 दिन में होते हैं। तो 16, 21, 24, तो हम ऑप्शन ए सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टसर सिल्क वर्म इज, टसर का सिल्क वर्म क्या है, तो हमने आपको बताया था कि टसर सिल्क वर्म में पैफिया आता है, मगर यहाँ पैफिया नहीं दिया, तो हमने कहा था मैलाइटा को भी लगाना है, तो ऑप्शन ए सही कर देंगे, एंथ्रेरिया मैलाइटा को हम सही कर लेंगे। बॉम्बेक्स मोराई से ये नॉर्मल है, और रिसनी से हमने आपको बता दिया था, तो यहाँ तो फाइलेसेमिया रिसनी लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फाइलेसेमिया रिसनी, जो अटाकस रिसनी है, अटाकस रिसनी से इरी सिल्क प्राप्त की जाती है, बॉम्बेक्स मोराई से तो प्राप्त की ही जाती है, एंथेरिया आसमोनसिस से मूंगा सिल्क प्राप्त की जाती है। कौन सी, मूंगा सिल्क। तो ये भी 2009, देखिए 2009 में 2 क्वेश्चन बने यहाँ से आपके सामने, लगातार हम बता रहे हैं कि इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पीजीटी बायोलॉजी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था तो उसको काटना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिजीज, मलेरिया, अम्योबिक डिसेंट्री, ये गलत लिखा है, अम्योबिक डिसेंट्री एक साथ है, डेंगू फीवर, एलो फीवर, फाइलियरासिस और कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस। तो देख लेते हैं, और उसने कहा है कि मच्छरों और घरेलू मक्खी से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो हमने लिख लिया मॉस्कीटो कर लेते हैं पहले, ठीक है, मॉस्कीटो को ले लेते हैं, मॉस्कीटो, और दूसरा ले लेते हैं हाउस फ्लाई, ये दो ले लेते हैं। तो मॉस्कीटो से कौन सा रोग होता है, मलेरिया, तो ये लिख लिया मलेरिया हो रहा है। अम्योबिक डिसेंट्री किससे होता है,
तो अमीओबिक डिसेंट्री हो रहा है हाउस फ्लाई से। डेंगू किससे होता है? मॉस्किटो से, तो हमने डेंगू लिख दिया। और येलो फीवर किससे होता है? तो इसी से होता है येलो फीवर। और फाइलेरियासिस किससे से होता है? इसी से होता है फाइलेरिया, इसी से फैलता है। कॉलरा किससे होता है? तो इससे कॉलरा होता है। और कुछ है हमें डिसेंट्री, कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है? तो हाउस फ्लाई से फैलता है ट्यूबरकुलोसिस। तो इससे कितने रोग फैलना है? तीन। इससे कितने रोग फैलना है? एक दो तीन चार, चार रोग इससे फैलना है। तो चार मॉस्किटो से फैलते हैं, तीन हाउस फ्लाई से फैलते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही है और ये 2000 में क्वेश्चन बना है, कट गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज। पर्ल प्रोड्यूसिंग का मतलब होता है जो मोती का उत्पादन करती है, मोती का उत्पादन करता है, उत्पादन कौन करता है? तो पिनकडाडा वल्गेरिस। क्या है? पिनकडाडा वल्गेरिस जो है वो मोती का उत्पादन करता है। प्रायः मोती की खेती की जाती है। खेती का मतलब समझ रहे हैं? खेती का मतलब यहाँ ये है कि इसका पालन किया जाता है और वहाँ से मोती प्राप्त की जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये पेपर आपके बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी में पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला जो पेपर है आपका इकोनॉमिक जूलॉजी, ये वहाँ आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिल्क ग्लैंड आर मॉडिफाइड। जो सिल्क ग्लैंड होती है, सिल्क ग्लैंड का मतलब होता है रेशम ग्रंथि होती है। रेशम जो ग्रंथि होती है किस में पाई जाएगी? रेशम कीट में पाई जाएगी, रेशम कीट में पाई जाएगी। तो रेशम कीट में कौन सा रूपांतरण होता है? तो सलाइवरी ग्लैंड उसका रूपांतरण होती है। पीजीटी बायोलॉजी 2003 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिनरेट्स ऑफ स्पाइडर्स विच सीक्रेट सिल्कन थ्रेड्स फॉर मेकिंग द वेव आर सिचुएटेड। मकड़ी की तंतु ग्रंथियां जो जालों को बुनने हेतु रेशमी धागों का श्रावण करती हैं स्थित होती हैं। तो आपने देखा होगा जो मकड़ी होती है ये क्या होती है, हरदम मकड़ी क्या होती है? उल्टा चलती है। देखना जब भी करेगी तो ये आगे आगे चलेगी और पीछे से धागा निकलता है। तो सिंपल सी बात है, एंटीरियर द एनस, एनस के अग्र भाग से। तो ऑप्शन इसका हम ए लगा देंगे। ये भी 2003 में पूछा है, तो देखिए लगातार 2003 में ये बना। तो एक आप रेशियो देख लीजिए कि दो क्वेश्चन उसने हर साल यहाँ से फ्रेम किए, दो क्वेश्चन उसने हर साल यहाँ से फ्रेम किए। फ्रॉम एंथेरिया असामा इज ऑप्टेन। एंथेरिया असामा से क्या प्राप्त करते हैं? तो हम मूंगा सिल्क प्राप्त करते हैं। कौन सा सिल्क? मूंगा सिल्क। और मालवेरी से क्या प्राप्त करते हैं? तो मालवेरी सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? तो बॉम्बेक्स, ध्यान रखिएगा किससे? बॉम्बेक्स मोराई से प्राप्त करते हैं। तो और यहाँ अभी हमने आपको बता रहे थे बॉम्बेक्स मोराई, तो हम लिख देते हैं यहाँ बॉम्बेक्स मोराई से प्राप्त करते हैं। टसर्क सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? तो हमने आपको बताया था एंथ्रेरिया एंथ्रेरिया और पैफिया और कहीं कहीं मेलाइटा भी दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। और एरी सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? तो ये अटैकस अटैकस रिसनी से प्राप्त करते हैं, रिसनी ये सी बना है, ठीक है, रिसनी से प्राप्त करते हैं। इरी सिल्क अटैकस रिसनी से प्राप्त करते हैं, टसर्क सिल्क एंथेरिया पैफिया से प्राप्त करते हैं, और माल बेरी जो सिल्क है वो बॉम्बेक्स मोराई से प्राप्त करते हैं, और मूंगा सिल्क जो है वो असामा से प्राप्त करते हैं। अब ये जो आप दोनों वीडियो हमारे देख रहे होंगे, तो बार बार जब वो क्वेश्चन देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, तो बार बार हम उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो अगर आप ना भी पढ़ेंगे तो ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। जब आप बार बार एक दिन कई बार उस चीज़ को सुन लेते हैं तो वो किसी न किसी कोने में बना रहता है। तो ध्यान रखिएगा टसर्क सिल्क एंथेरिया पैफिया मालवेरी सिल्क बॉम्बेक्स मोराई मूंगा सिल्क असामा और इरी सिल्क अटैकस रिसनी। तो ये हैं सिल्क के प्रकार और उनसे किनसे प्राप्त होते हैं वो जारी जानकारी ये 2002 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क वर्म इंक्लूडिंग
कृमि कोष यानी कोकून निर्माण के बाद रेशम के कीड़ों के प्रसंस्करण में शामिल है, तो वो क्या है, स्टिफलिंग शामिल है। क्या है? स्टिफलिंग शामिल है। तो ये 2002 में पढ़ा, देखिए एक 2002 में ये बना, एक 2002 में, तो कितना रेशियो जा रहा है इसमें। हाँ, जो बेनिफिशियल हार्मफुल जो कीटों का जो चैप्टर है, इससे दो क्वेश्चन आपको वो हर बार दे रहा है, और हम आपको तीन, यहाँ तो देखिए, अरे बड़े मज़े की बात है, यहाँ तीन क्वेश्चन उसने फ्रेमिंग कर दिए हैं। कितने किए हैं? 2002 में तीन क्वेश्चन, और जिसने भी पढ़ा होगा तो 12.75 मार्क्स यहाँ से लेके गिरा होगा। तो समझ लीजिए चयन ऐसे होते हैं। केमिकल नेचर ऑफ द सिल्क, सिल्क का केमिकल नेचर क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब इस, अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन बनते किससे हैं, तो जो पेपर सेटिंग करता है, ध्यान रखिएगा, जो पेपर सेटर होता है वो क्या पढ़ाता है, यानी चूंकि जो पेपर सेटर होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर होगा या एसोसिएट प्रोफेसर होगा या प्रोफेसर होगा, यानी या तो वो डिग्री कॉलेज से संबंधित रखता होगा या फिर यूनिवर्सिटीज का टीचर होगा, वो पेपर सेट करते हैं। और वो लोग एक पेपर पढ़ाते हैं, मतलब वो पर्सनल पेपर एक पढ़ाते हैं, वहाँ ये नहीं कि पूरा बायोलॉजी या पूरा जूलॉजी पढ़ाएं या पूरी बॉटनी पढ़ाएं, एक पेपर। तो वो जिस पेपर का एक्सपर्ट होता है, वो अगर वो मान लो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाने वाला बंदा है, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से आपको देगा। अगर वो मान लेते हैं वर्टिब्रेट पढ़ा रहा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वर्टिब्रेट से देगा, जो कि उसकी उसमें पकड़ ज़्यादा होती। तो यहाँ कभी कभी क्या होता है कि किसी एग्ज़ाम में एक चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी एग्ज़ाम में कुछ चैप्टर को छूते ही नहीं है, तो ये समझ लो कि वो बंदा उसी फील्ड का है, तो वो वही देता है। अगर बॉटनी वाले ने पेपर सेट किया तो जूलॉजी क्वेश्चन कम होंगे, बॉटनी के ज़्यादा होंगे, और अगर जूलॉजी वाले ने सेट किया तो इसमें बॉटनी के क्वेश्चन कम होंगे, जूलॉजी के ज़्यादा होंगे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ आता है पर्ल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम, पर्ल्स का मतलब होता है मोती प्राप्त करते हैं, तो पिनकडाडा वल्गेरिस से, जो कि बता चुके हैं। और ब्रेंकियोस्टोमा क्या है? तो आपको सिफेलोकॉर्डेट्स है, तो ये तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं। तो ये राजस्थान में पूछा गया 2015 में। और मूंगा सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम कोकून साहब, देखिए ये जो सिल्क हैं, फिर हम आपसे कह रहे हैं वो मूंगा सिल्क, टसर सिल्क और मालबेरी सिल्क और ईरी सिल्क, इनके जो उत्पादन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनको रट लीजिएगा, रटना है आपको, ध्यान रखिए क्या है, रटना है, कैसे भी रट लो इन चार नामों को, इनमें से एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपका। मूंगा रेशम प्राप्त किया जाता है, तो अभी हमने बताया था सामा से, दिया है कहीं सामा, तो डी। रिसिनस से क्या प्राप्त करते हैं? अटैकस रिसिनी से क्या प्राप्त करते हैं? तो ईरी सिल्क प्राप्त करते हैं। पैफिया से क्या प्राप्त करते हैं? तो टसर सिल्क प्राप्त करते हैं। बॉम्बेक्स मोराई से कौन से सिल्क प्राप्त करते हैं? तो मालवेरी सिल्क प्राप्त करते हैं। मूंगा सिल्क किससे प्राप्त करते हैं? तो आप चौथे नंबर पर आ जाओ, असामा से। तो इसने चारों नाम दिए हैं, इससे मालवेरी सिल्क, इससे टसर सिल्क, इससे ईरी सिल्क, इससे मूंगा सिल्क, कन्फर्म। तो यहाँ से चारों क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपसे डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरोमोन्स इन सिल्क मॉथ सर्व, अब ये एंस स्टूमुलेटर अगेंस्ट होगा, स्टूमुलेटर रेशम के कीट में फेरोमोन्स प्रेरित करता है, तो वो किसको करता है? सेक्सुअल बिहेवियर को करता है। फेरोमोन्स का काम ही होता है सेक्सुअल बिहेवियर को प्रेरित करना। अब ये क्वेश्चन आता है, द वर्कर हनी बी performs the following type of dance before the fellows bees in a hive when the nectar is about 100 meter away from the hive। श्रमिक मधुमक्खी निम्न प्रकार का नृत्य अपनी साथियों जो कि जो छत्ते में होते हैं के सामने करती है जब मकरंद छत्ते से 100 मीटर दूर होता है। तो ये कह रहा, तो ये दो तरह का, मुख्यतः दो तरह का डांस करती हैं। एक करती हैं वेगल डांस, ध्यान रखिएगा, और दूसरा राउंड डांस करती हैं, राउंड डांस या सर्कुलर डांस करती हैं। तो जब भोजन 50 मीटर से कम दूरी पर होगा, कम
दूरी पर होगा, तो वो सर्कुलर डांस करती हैं इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे करती हैं, यानी क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। और जो अगर 100 मीटर से ज़्यादा दूर है तो वो वेगल डांस करती हैं, तो ऑप्शन ए सही करेंगे। तो अगर सर्कुलर डांस पूछे तो उसका भी आंसर हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो एपिकल्चर हनी भी बिल्कुल संबंधित है, सेरीकल्चर सिल्क कल्चर से संबंधित है, और पीसी कल्चर जो है वो फिश से संबंधित है। किससे? फिश मछलियों से संबंधित है, और इसमें पर्ल ओस्टर दिया है, तो ऑप्शन ये वाला गलत है। तो ऑप्शन हम इसका कौन सा सही कर देंगे, सी, चूंकि नॉट दिया है, नहीं करेक्ट है। वर्मी कल्चर अर्थवर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जू फ्लैजिलेट्स फाउंड इन द गट ऑफ द टर्माइट्स आर, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कशेरुकी होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? सिम्बियोसिस होते हैं। कैसे? सिम्बियोन्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैंथ्रेडीन इज ऑप्टेन फ्रॉम, कैंथ्रेडीन प्राप्त किया जाता है, तो हमने इससे पहले बताया था ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त किया जाता है। किससे? ब्लिस्टर बीटल से प्राप्त किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आज ये जो वीडियो है कंप्लीट जो समाप्त होता है, और जो हार्मफुल और बेनिफिशियल इंसेक्ट लिया था, इसी के साथ नमस्कार।